आइए एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 तक पिछले वीडियो में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्रमागत का मतलब क्रम से आगे आने वाली, और दो क्रमागत की बात करेंगे तो अगर दो क्रमागत संख्याएं नहीं पता है तो हम उसको मानेंगे। मानेंगे कैसे, एक को अगर x मानते हैं तो दूसरा उससे एक ज्यादा यानी x प्लस वन, ये दो क्रमागत संख्याएं होंगी। फिर क्या करना है, दोनों का वर्ग कर देना है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर, योगफल 265 के बराबर कर देंगे। तो चलिए, माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा x प्लस वन है, ठीक है। अब शर्त है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल यानी इसका और इसके वर्गों का योगफल 265 है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्रश्न अनुसार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 200। इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। होल स्क्वायर तोड़ दें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इसका बराबर 265, या ऐसा करें माइनस 265 करके बराबर जीरो कर दें। तो यहां हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 264 बराबर जीरो। 200 में कॉमन है, भाग दे दें या कॉमन ले लें, भाग दे दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, तो 132 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर एक आवे, 11 में से 11 घटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 132 बराबर जीरो। ब्रैकेट तोड़ दें, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर जीरो। यहां पर x कॉमन है, यहां पर 11 कॉमन है, तो x कॉमन तो x प्लस 12 माइनस 11 कॉमन, देखिए माइनस है ना, तुरंत माइनस लगा दिए उसमें, इस चिन्ह को यहां पर उतारने में जरा सा भी नहीं सोचना है, जो चिन्ह होगा पहले वो चिन्ह उतार देंगे। फिर 11 कॉमन ले लिए, x प्लस 12 बराबर जीरो। अब x प्लस 12 और x माइनस 11 बराबर जीरो, ये जीरो होगा तो माइनस में आएगा मान, ये जीरो होगा तो प्लस में आएगा मान। तो क्या क्या मान आया, 11 और माइनस 12, तो मान तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि जब वर्ग करेंगे तो मान धनात्मक, अगर x का मान ऋणात्मक आता भी है तो वर्ग करेंगे तो वो धनात्मक हो जाएगा और जुड़ करके इतना आ सकता है। यदि x बराबर 11, एक तो 11 अगर है, x प्लस 1 कितना हो जाएगा बराबर 12, तो एक तो ये हो गया 11 और 12, ठीक है, ये क्रमागत संख्याएं होंगे। अगर कहीं x बराबर माइनस 12 लेते हैं, ठीक है, x प्लस 1 बराबर माइनस 12 प्लस 1 यानी कि माइनस 11, अतः संख्याएं बराबर 11, 12 या माइनस 12 माइनस 11। अच्छा, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर 11 छोटा है, 12 बड़ा है, यहां पर माइनस 12 छोटा है और माइनस 11 बड़ा है, क्योंकि माइनस 12 में जब हम एक जोड़े हैं तब माइनस 11 आया है। भाई किसी संख्या में अगर हम कुछ चीज जोड़ रहे हैं तो वो उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, घटाएंगे तो छोटा होगा। तो यहां पर हम माइनस 12 में एक जोड़े हैं तो माइनस 11 आया है, इसका मतलब माइनस 12 छोटा और माइनस 11 बड़ा।
तो ये दोनों आंसर हो सकता है, हो सकता है आंसर में इतना ही दिया हो लेकिन ये भी होना चाहिए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यहां पर दो वर्ग लिया है, ये मान लेते हैं कि पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। इनके क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसकी और इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। दो वर्ग है, दोनों वर्ग अलग अलग माप के हैं, वर्गों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस पहले वर्ग की भुजा मान लिए कि x है, x मीटर है, दूसरे वर्ग की भुजा मान लिए कि y मीटर है। x जब भुजा पता हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। दूसरे का y स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान 468 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्षेत्रफलों की योगफल का मान 468 के बराबर है। तो यहां पे मानेंगे, क्या मानेंगे? माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। यहां पर हम x इज ग्रेटर देन y कर दिए, x का मान बड़ा कर दिए y से। अब क्या कह रहा है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये 468 के बराबर है। 468 मीटर स्क्वायर हम नहीं लिख रहे हैं, इसके बराबर है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? भुजा पता है x, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, है ना? भुजा गुणे भुजा यानी कि x गुणे x प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है? y है, तो हो जाएगा y गुणे y, और ये है 468। ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468, या वाई स्क्वायर बराबर 468 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। अब सेकंड कंडीशन है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है। देखिए इसका परिमाप क्या होगा, अगर भुजा x है तो परिमाप 4x होगा, इसका भुजा अगर y है तो परिमाप 4y होगा। चूंकि हम x को बड़ा माने हैं, इस वर्ग की भुजा को बड़ा माने हैं, इसको छोटा माने हैं, तो इसका परिमाप भी ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा। तो अंतर के लिए हम इसके परिमाप में से इसके परिमाप को घटाएंगे। यहां पर x इज ग्रेटर देन y माने हैं ना, तो यहां पर लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, अंतर है ना, तो अंतर कितने के बराबर है? 24 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 24। चार से भाग कर दें, x माइनस वाई बराबर सॉरी 6, तो y को उधर 6 को इधर, x माइनस 6 बराबर y, समीकरण नंबर 2। अब यहां से y का मान हम यहां पे रख दें, है ना, यहां पे रख दें तो कहां जगह का परिमाप बराबर 24 यहां पे लिख दे रहे हैं। तो जब यहां पे मान रखेंगे y की जगह x माइनस 6, तो हमको मिलेगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 612 बराबर 468 माइनस
एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को उधर दे तो 468 को भी ला दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 बराबर जीरो, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x, 68 में से 36 घटेगा तो 432 माइनस 432, 2 से भाग कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 × 4 = 2, 2 × 6 = 12। अब 216 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 6 आवे, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा। देखिए यहां पे हम इसका गुणनखंड किए तो 3 × 3 = 9, 2 × 18, 3 × 6 = 12, 18 = 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 − 12 इंटू एक्स माइनस 216 बराबर जीरो, ब्रैकेट तोड़ दें, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस की वजह से प्लस होगा, 12x माइनस 216 बराबर जीरो। अब जोड़ा बना लें, जोड़ा बनाएंगे तो यहां पर x कॉमन x माइनस 18 प्लस, देखिए प्लस था ना, तुरंत प्लस लगाए, 12 कॉमन, 12 हम पूरा पूरा इसलिए ले लिए कि x के साथ कुछ नहीं बचना चाहिए, क्योंकि यहां पर x के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहां बचेगा क्या, एक्स माइनस 18 बराबर जीरो, ये बराबर है एक्स माइनस 18 और एक्स प्लस 12 बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर हो गया 18 और माइनस 12। एक्स का मान 18 अगर है तो एक्स का मान कहां रखें, यहां पे रखें, एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 18 − 6 = y, या वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, भुजाएं बराबर हो जाएंगी 18 मीटर और 12 मीटर, नेगेटिव वाला हम छोड़ दिए हैं, और जबकि होना चाहिए था माइनस 12, जब एक्स का मान माइनस 12 लेंगे क्योंकि ये भुजा है तो माइनस 12 मतलब कि 12, लेकिन मान जब रखेंगे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो माइनस से लेके करेंगे, यहां पर जब माइनस 12 रख देंगे तो −12 − 6 − 18, ठीक है ना, जब x का मान −12 होगा तो y का मान −18 होगा, इस कंडीशन में भी x का मान जो −12 है और y का मान जो −18 है, ये बड़ा होगा वो छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक क्लास टेस्ट में सिफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, दो विषयों में नंबरों का योग x 30 है, तो जब ऐसे योगफल दिया रहे ना तो दोनों को अलग अलग मत मानिए, एक को x मान लीजिए, दूसरा को जो योगफल है ना उसमें से घटा दीजिए, यानी कि एक जो है मान लिया कि गणित में x है तो अंग्रेजी में उसका 30 − x हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों अंक हमारा जो है x के पदों में मिल गया। यदि उसको गणित में दो अंक पहले इतना मान लें, माना सिफाली को गणित में x तथा अंग्रेजी में 30 − x अंक मिले, भाई दोनों का योगफल 30 होना चाहिए, तो इसको इसको जोड़ेंगे तो x x कट जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कह रहा है फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशन है यदि उसको गणित में दो अंक अधिक, इसमें दो जोड़ेंगे, ये गणित का अंक है ना, इसमें दो अंक जोड़ेंगे तो x + 2 हो जाएगा, और
अंग्रेजी में तीन अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में इतना है 30-1 है, फिर इसमें तीन घटा देंगे तो आ जाएगा 27-1 मिले होते, तो अंकों का गुणनफल यानी x प्लस टू और 27-1 दोनों अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या, गणित में दो अंक अधिक हैं, गणित में दो अंक अधिक होने पर प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, x था दो और मिल गया उसको, x प्लस टू हो गया, और अंग्रेजी में कम हो रहा है, यहां पर लिखेंगे अंग्रेजी में तीन अंक कम मिलने पर प्राप्त अंक बराबर। देखिए ये उसका अंग्रेजी में पहले का अंक है, इसमें तीन अंक और कम मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 30-1-3 यानी 30 में से तीन घटा देंगे 27-1, ये हो गया कब, जब गणित में दो अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में तीन अंक कम मिलता तो ये अंक होते। अब कह रहा है कि यदि ऐसा है तो गणित और अंग्रेजी के अंकों का गुणनफल 210 के बराबर है, यानी कि x प्लस टू और 27-1 का गुणा करें तो 210 के बराबर हो जाएगा। तो क्या करना है, x प्लस टू और 27-1 का गुणनफल 210 के बराबर है, गुणा करेंगे तो हमको द्विघात समीकरण मिलेगा। यहां हो गया 27x-x² + 54 और -2x और -210 बराबर 0। तो -x² तो ऐसे देखिए +27 है और ये -2 है तो घटेगा तो हो जाएगा 25x और 210 में 210 में से 54 घटेगा, घटा दीजिए 6, 5, 156, लेकिन माइनस के साथ -156 बराबर 0। देखिए यहां माइनस है ना, माइनस से गुणा कर दीजिए, x² - 25x यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा +156 बराबर 0। अब 156 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर 25 आवे, तो कितना होगा खंड कर लेते हैं, बारह और तेरह x² - 12x + 13 करें ना, यह 12x + 156 बराबर 0। x² - 12x - हो जाएगा माइनस की वजह से, 13x + 156 बराबर 0। x - 12 और -13 कॉमन, देखिए यहां पर माइनस था तुरंत माइनस किया हम, फिर 13 भी ले लिया पूरा पूरा क्योंकि यहां पर x के साथ कुछ नहीं है तो यहां भी नहीं होना चाहिए, तो x - 12 बराबर 0। x - 12 और x - 13 बराबर 0, x = 12 और 13 दो मान आ गए। ये x = 12 और 13 किसका है, x गणित का है, तो गणित में वह 12 या 13 नंबर पाया। अब यदि x = 12 तो
30 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12 बराबर 18। जब वह गणित में 12 पाएगा तो अंग्रेजी में 18 पाएगा। अब यदि x बराबर 13 तो 30 माइनस एक्स बराबर 30 माइनस 13 यानी कि 17। ये कब होगा, जब गणित में वो 13 पाएगा तो अंग्रेजी में 17 उसका होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः गणित में प्राप्त अंक बराबर 12 या 13 और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, जब 12 था तो 18, 13 था तो 17, तो 18 या 17, ये दोनों आंसर है।